इस लेक्चर में हम लोग मेनली ये देखेंगे कि बेसिक्स हमें क्या क्या जानने जरूरी हैं अगर हम कोई भी कनेक्शन डिजाइन करना चाहते हैं। देखिए, मैं ये मान के चलूंगा कि आप लोगों को जो एकदम डीप डाउन बेसिक्स है वो आपको पता हो, जैसे कि कहने का मतलब डिजाइनिंग के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है ना, उसके बाद मटेरियल्स कौन कौन से ग्रेड्स के होते हैं वो, ठीक है। और उसकी हेल्प के लिए एक बुक है, दैट इज डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स बाय एसएस बाविकट्टी, ठीक है। ये बाविकट्टी की जो बुक है, इट इज अकॉर्डिंग टू दी आईएस 800 2007। और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक है, सुब्रमण्यम है, ठीक है, वो भी एक अच्छी बुक है। फिर उसके बाद बाविकट्टी हो गई है, तो बहुत सारी बुक है, आप सर्च कर सकते हैं, आपको नेट पे मिल जाएगी। ये बुक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगा। तो इस बुक्स में क्या है, मेरा कहा मानो तो एक बार इस बुक को पहले आप देख लीजिएगा कुछ भी चीज डिजाइन करने से पहले। क्योंकि क्या होता है कि आपको जब बेसिक ही नहीं पता है, अगर आप सीधा सीधा डिजाइनिंग में कूद गए तो कोई मतलब नहीं उसका, आप समझ नहीं पाओगे उसे कैसे ट्रिक करना, अगर आपका कोई कनेक्शन पास नहीं हो रहा तो उसे कैसे पास करना है, ऑल दैट, ठीक है। तो इसमें वेल्डेड कनेक्शंस के बारे में है, जैसे अपन यहाँ पे देख सकते हैं वेल्डेड कनेक्शंस के बारे में है। और फिर उसके बाद अगर अपन बात करें तो इसमें हमारे पास टेंशन मेंबर कैसे डिजाइन करते हैं उसकी थ्योरी है, फिर आफ्टर दैट कंप्रेशन मेंबर कैसे डिजाइन करते हैं उसकी थ्योरी है, डिजाइन ऑफ बीम्स, जो बीम्स हमारी डिजाइन होती है वो हो गई, फिर ऊपर की तरफ हमारे पास कॉलम्स है, ये कॉलम्स कैसे डिजाइन होते हैं वो हमारे पास है पूरे के पूरे। सॉरी, बीम में आप लोग ये भी देख सकते हो कि बीम में जो हम हमारे केस में हमारे बीम्स लेंगे, उस बीम का कनेक्शन हम लोग कैसे देंगे कॉलम पे, वो कहीं ना कहीं डिपेंड करेगा कि आपके बीम के ऊपर लोड कैसा है, हाउ व्हाट काइंड ऑफ लोड द बीम इज गोइंग टू हैव, ठीक है। उसके बाद डिजाइन ऑफ बोल्टेड बीम कनेक्शन, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, दिस यूनिट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर अस। होगा क्या, क्योंकि हम लोग जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम लोग रैम कनेक्शन, दैट इज हम लोगों को करना है स्टील के कनेक्शन, तो स्टील के कनेक्शन का जो बेसिक है वो हम लोगों को दिखेगा यहीं से, दैट इज टाइप ऑफ बीम कनेक्शन ऑल दैट। तो यहां जाने से पहले मैं जस्ट एक बार आपको रिकॉल करवा देना चाहता हूँ, कुछ चीजें हो सकता है आप लोग भूल गए हो या हो सकता है आपकी स्किप हो गई हो दिमाग में। तो आप लोग देख सकते हो कि हम जो मटेरियल यूज करते हैं, जो स्ट्रक्चरल स्टील होता है वो ग्रेड्स का आता है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो स्टील में हमारी जो ग्रेड्स होती है वो E250 होती है, ठीक है। E250 मतलब हो गया कि 250 जो है वो उसकी क्या है, यील्ड स्ट्रेस है, ठीक है। सिमिलरली हमारा E300 होता है, फिर E350 होता है, अलग अलग सारी ग्रेड्स होती है हमारे पास, ठीक है। ये स्टील की ग्रेड होती है, स्ट्रक्चर स्टील की, मैं रीबार की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं स्ट्रक्चर स्टील की बात कर रहा हूँ। और कॉन्क्रीट की तो आप जानते हो, तो अभी हमें से कॉन्क्रीट की हमें जरूरत है। दूसरी बात, कुछ दूसरी प्रॉपर्टीज होती है जो आपको पता होनी चाहिए स्टील की, जैसे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो गया, 2 × 10⁵ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, जो कि फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है। उसके बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ एक टेबल है, दिस टेबल इज अकॉर्डिंग टू दी आईएस कोड IS 2062, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं कि इट इज अकॉर्डिंग टू द IS 2062, तो इसमें भी वही सारी ग्रेड्स दे रखी है जो मैंने बोली थी अभी आपको, दैट इज 250, 250 ग्रेड बी, 250 ग्रेड सी एंड ऑल दैट। आगे उनकी यील्ड स्ट्रेसेस लिख रखी है, अगर उस मेंबर की थिकनेस जो है वो 20 mm से अगर कम है तो क्या रहेगी, 20 से 40 के बीच में तो क्या रहेगी, ग्रेटर देन 40 है तो क्या रहेगी, और अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या रहेगी वो भी दे रखी है। तो इसमें से आप कोई भी ग्रेड चूज कर सकते हो, ज्यादातर ये होगा कि आपके डिजाइनर ने आपको ये ग्रेड्स पहले से दे रखी होगी, अगर आपको कनेक्शन डिजाइन करने का काम दे रखा है तो। और अगर आप खुद स्ट्रक्चरल डिजाइनर है तो ये डिपेंड करेगा कि आप आपका जो मेंबर है वो कौन से काम के लिए यूज करना चाहते हैं। ऑब्वियसली बात है, अगर कोई लाइट वेट काम होगा तो उसके लिए हम लोग कम ग्रेड का यूज कर लेंगे, ज्यादा होगा तो ज्यादा का यूज करेंगे, ठीक है। अब आते हैं मेन चीज, दैट इज रोल्ड स्टील सेक्शन, स्टील के जो सेक्शन होते हैं वो, क्योंकि हम लोग कनेक्शन पढ़ रहे हैं, हमको सेक्शन को क्या करना है यहाँ पे, ज्वाइन करना है ना, अलग अलग तरीके के सेक्शन को ज्वाइन करना है। ज्यादातर ये होता है कि हम लोग किसी बीम को किसी कॉलम से हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, ठीक है। अब बीम को कॉलम से अगर हम लोग ज्वाइन करेंगे, तो जैसे लेट्स से ये कॉलम है और इधर हमारे पास बीम है, अगर ये दोनों आई सेक्शन हुए तो हमको कैसे ज्वाइन करना है। अगर लेट्स से एक सिंपल बॉक्स सेक्शन है, जैसे कॉलम लेट्स से एक बॉक्स सेक्शन में, उसके ऊपर हमको एक बीम को कनेक्ट करना है तो हम लोग कैसे कनेक्ट करेंगे। तो वो सारी चीजें देखने से पहले हमें पता होना चाहिए कितने तरीके के सेक्शंस होते हैं हमारे पास। तो सबसे मेन तो हमारे पास होते हैं आई सेक्शंस, ठीक है। ये आई सेक्शन हर जगह यूज होते हैं, आई सेक्शन बीम में भी यूज हो सकते हैं, आई सेक्शन हम लोग कॉलम में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके के होते हैं, ISJB इसका मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम, ISLB इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम्स, ISMB इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम्स, ISWB वाइट फ्लेंज बीम्स, एंड HB दैट इज हैवी बीम्स। ऑब्वियसली बात है, जो कॉलम होगा वो थ्रस्ट लेगा, एक्सेल लेगा, तो हमारे जो कॉलम्स होते हैं वो ज्यादातर क्या होते हैं, ISHB के होते हैं, डिजाइन होते हैं ज्यादातर, है ना। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ HB ही होते हैं, ज्यादातर
हमारे जो हैवी बीम्स वाले जो होते हैं, देखो नाम बीम है पर वो यूज किसके लिए हो रहा है, कॉलम के लिए हो रहा है, ठीक है, ये कंफ्यूज मत होना, इसको नाम एक ही दे रखा है इन लोगों ने। टंडन स्टैंडर्ड हैवी बीम ISHB जो है वो कॉलम्स के लिए यूज होते हैं, ऐसे सेक्शंस। सिमिलरली ISMB हो गए, ये हमारे बीम्स के लिए यूज होंगे और बाकी दूसरे अपने अपने एरियाज के लिए यूज होते हैं, ठीक है। तो और भी आई सेक्शन के अलावा भी बहुत सारे अलग अलग तरीके के हमारे पास मेंबर्स होते हैं, जैसे आप यहाँ पे नाम देख सकते हो बहुत सारे लिखे हुए हैं, रोल्ड स्टील प्लेट्स आ रहा है, स्टील प्लेट्स हो सकती है, फ्लैट्स हो सकती है, स्टील की स्ट्रिप्स हो सकती है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ नीचे जाऊं तो यहाँ पे आई सेक्शन बता रहे, चैनल सेक्शन होता है, चैनल सेक्शन अगर आप लोगों ने देखा हो, जानते हो, तो चैनल सेक्शन में क्या होता है, एक शी शेप का स्ट्रक्चर होता है, समथिंग लाइक दिस, ऐसा बस। तो ये हो सकता है, स्टील एंगल हो सकता है, एंगल सिंपल सा एक ऐसा मेंबर होता है। टी सेक्शन में टी होता है हमारा पूरा, रोल्ड का मतलब होता है रोलिंग मिल्स में होता है, इनमें क्या होता है कि यहाँ पे एकदम शार्प पोर्शन नहीं होता, थोड़ा सा फलट होता है, राउंड, ऐसे राउंड अबाउट, ठीक है, मैं थोड़ा ढंग से बना नहीं पा रहा हूँ तो आप कोशिश करना इसको समझने की, काइंड ऑफ यहाँ पे हमारे पास ऐसा फलट होगा थोड़ा सा। आप सब, आप लोग सब वाटर कैट पढ़ रहे हैं तो आई होप आप समझते हो कि फलट क्या होता है। फलट मतलब थोड़ा सा यहाँ पे राउंडीनेस होगा, एकदम शार्प नहीं होगा, शार्प होता तो स्ट्रेसेस वहां पे कंसंट्रेट होने लग जाती है, फिर वो उसपे ब्रेक ज्यादा जल्दी हो सकता है ना, तो उसे हम लोग रोल करते हैं, तो रोल्ड का मतलब है कि रोलिंग मिल में हम उसको रोल करते हैं, ठीक है। अब नाउ सी, अगर हम ISHP की बात करें तो उनको ऐसे डिनोट किया जाता है ज्यादातर, आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे लिख रखा है ISWB 600 एट द रेट 1.423 किलोन्यूटन पर मीटर। दैट मीन्स इंडियन स्टैंडर्ड वाइड बीम का सेक्शन है, 600 का मतलब है उसकी डेप्थ, 600 का मतलब क्या है, उसकी डेप्थ एट द रेट 1.423 किलोन्यूटन पर मीटर, ये इसका वेट है पर यूनिट मीटर में, दैट इज 1.4 किलोन्यूटन पर यूनिट मीटर आएगा। ध्यान रखिएगा, स्टील स्ट्रक्चर का सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है कि पर यूनिट मीटर उसका वेट जो होता है वो कम होता है, उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है एज रिलेशन टू अदर स्ट्रक्चरल मेटेरियल्स। तो उसकी पर यूनिट मीटर आप देख सकते हो या पर यूनिट वॉल्यूम देख सकते हो, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत अच्छी खासी होती है, इसलिए बहुत बार हम स्टील को यूज करते हैं। स्टील इजिली फैब्रिकेट हो सकता है, स्टील को आप कैसा भी बोल्ट लगा के आप उसको टाइट कर सकते हो, खोलते वक्त खोल सकते हो। और दूसरा ये है कि स्टील की स्क्रैप वैल्यू बहुत अच्छी होती है, ठीक है ना, कंक्रीट की कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है। आपने कंक्रीट को एक बार अगर RCC का कोई घर है वो गिरा होगा तो उसमें से सरिया निकाल दो, वो काम का बचेगा, बाकी कंक्रीट कुछ काम का नहीं बचेगा, वो सिर्फ और सिर्फ फिलिंग के काम आएगा, उसके अलावा कुछ काम नहीं आएगा। तो कहने का मतलब स्टील हैज दी हाईएस्ट स्क्रैप वैल्यू, तो आपकी बिल्डिंग गिरने के बाद भी आपको बहुत पैसा देगी। दूसरा, इसका बस एक ही डिसएडवांटेज होता है कि इसका ध्यान बहुत रखना, ध्यान रखना, उसकी पेंटिंग करनी पड़ती है, बोल्टिंग का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ग्रीसिंग वगैरह नहीं, ये सब बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं, फिर चैनल सेक्शन भी सेम ऐसे होते हैं, ISJC ISLC, तो ये मैं आपको बुक दे दूंगा, आप इस बुक में से देख लीजिएगा, अगर आपको कोई चीजें नहीं अभी तक कैच हुई है, आज तक आपने नहीं देखा है, तो वो सारी चीजें देखिएगा। हाँ, यहाँ पे एक इंडियन स्टैंडर्ड एंगल बार बार आएगा हमारे कनेक्शन डिजाइन्स में, तो वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे जैसे इंडियन स्टैंडर्ड्स को ऐसे लिखते हैं एंगल्स को, ISA 150, यहाँ पे क्रॉस नहीं है इनका, ये रहा सर, यहाँ पे है ISA 150 क्रॉस 150 क्रॉस 12। इसका मतलब ये है कि इंडियन स्टैंडर्ड एंगल, ISA का मतलब इंडियन स्टैंडर्ड एंगल, ये इनकी लेग्स की क्या है, डिस्टेंसेस है, लेग्स की यू कैन से लेंथ है। अब लेग्स की डिस्टेंस कैसे है सर, लेग्स की डिस्टेंस अगर अपन ऊपर की तरफ ये डायग्राम देखें तो यहाँ पे जैसे एक तो थिकनेस ये होगी, सॉरी थिकनेस ना बोल के लेंथ हो गई एक लेग की, और दूसरे लेग की लेंथ ये हो गई, दैट इज दोनों सेम है AA, तो इनको हम लोग बोलते हैं इक्वल एंगल्स, ठीक है। और इनकी जो थिकनेस होती है, जितने मोटे हैं ये, वो लास्ट वाला नंबर शो करता है, दैट इज दिस 12 mm, एवरीथिंग इज इन एमएम, तो नो नीड टू बी कंफ्यूज, भले आप आई सेक्शन लो या एंगल लो, सब में हमारा क्या होगा, थिकनेस और सारा चीजें एमएम में ही रहेगी। अनइक्वल एंगल में ऐसा होता है कि कोई एक पोर्शन ज्यादा बड़ा था, जैसे इस केस में आप देख सकते हो ए जो है वो बी से बड़ा है, तो इट विल बी अ लॉन्ग लेग एंड इट विल बी अ शॉर्ट लेग, ठीक है। सिमिलरली टी सेक्शंस भी होते हैं, सिमिलरली बाकी दूसरे भी सेक्शंस होते हैं। अब ये सारे आप पढ़ लीजिएगा, इसमें देख लीजिएगा ताकि आपको गो थ्रू हो जाए। लोड हम जानते हैं सारे के सारे, हम लोग ने स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग कर ली है, ठीक है, डेड लोड, इम्पोज लोड, विंड लोड सारे हमारे पास है। अगर स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग अभी भी आपने नहीं करी है तो मैं अपने लिंक में डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को ETABS के और स्टड ब्रो के मैं लेक्चर्स के आपको लिंक दे दूंगा, अपनी पूरी लेक्चर सीरीज पढ़ी हुई है आप उन्हें भी देखिए समझिए, ताकि आप एक ओवरऑल पूरे सिविल, अच्छे सिविल इंजीनियर बने, एक अच्छे आप स्ट्रक्चरल इंजीनियर बने, आप उन चीजों को पता लगा पाए कि कैसे कैसे अपन एक घर को बना सकते हैं, ठीक है। घर आजकल हर कोई बना सकता है, बट उसे जो टेक्निकल तरीके से, टेक्निकल एस्पेक्ट से उसको जिस इकोनॉमिकली कैसे बनाना है, एफिशियंटली कैसे बनाना है, वो एक इंजीनियर ही बना सकता है, ठीक है। इसमें लाइव लोड्स वगैरह ये सब हो गए, ये सारी चीजें हैं, ये इन पर मैं ज्यादा वक्त दूंगा, खर्च करूंगा नहीं। विंड लोड्स वगैरह हो गए, क्योंकि यहाँ पे हमको एक्चुअल में विंड लोड्स वगैरह देखने हैं, हमें सिंपल रिएक्शंस लेनी है स्टड से या ETABS से और उसे पुट करना है डिजाइन में, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको सीधा बोल्ट्स पे ले जाता हूँ,
बोल्ट्स हम लोग जो यूज करते हैं उन बोल्ट्स का नाम होता है दैट इज फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट्स या हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट, HSFG बोल्ट्स जिन्हें हम लोग कहते हैं, ठीक है। ये रिजिड जॉइंट्स के लिए यूज होते हैं, इनकी थोड़ी सी मेटल कॉस्ट हाई होती है बट क्वाइट अच्छे स्ट्रेंथ में हमारे पास होते हैं। अब इस पे जो शो करने का तरीका होता है, इनका जो ग्रेड का शो करने का तरीका होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, दैट इज M20 बोल्ट्स या M18 बोल्ट्स या M60। इसमें ये जो 16, 18 और 20 mm में जो है ये इनके बोल्ट्स के डायामीटर, इनका शेंक का जो डायामीटर होता है वो ये डायामीटर पूरा का पूरा। तो उसमें ज्यादा कुछ कंफ्यूज होने जैसी चीज है नहीं, मटेरियल स्ट्रक्चर स्टील वाला ही यूज होगा इसमें। एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि हमारे पास दो चीजें होती है बोल्टेड कनेक्शन में, दैट इज एक तो होती है एज डिस्टेंस और एक होती है एंड डिस्टेंस। ये दो अलग अलग चीजें होती है, ये आपको पूछी जाएगी क्योंकि अपन जब बोल्ट कनेक्शन करेंगे तभी पूछा जाएगा। ये क्या होता है कि जैसे एक लेट से कोई प्लेट है और उसके नीचे एक और कोई प्लेट है, लेट से वो प्लेट जो है नीचे वाली वो साइज में बड़ी है और यहाँ हमने ये बोल्ट लगा रखे, तो लेट से दो करके मैं अभी सिंपलिसिटी समझाने के लिए मान के चलता हूँ कि एक ही बोल्ट लगा रखा हमने। अब इस प्लेट के एंड से जो इसके सेंटर तक की दूरी है उसे हम लोग बोलते हैं एंड डिस्टेंस, ठीक है। और एज डिस्टेंस हो जाएगी जो इसी प्लेट के किसी और कोने से, ठीक है ना, दैट विल बी अ एज डिस्टेंस। हमारा जो भी स्ट्रक्चर है, हमारा जो भी कनेक्शन है, वो जहां भी किसी दूसरे एलिमेंट से कनेक्ट हो रहा है उससे उस कनेक्शन से उसकी कितनी दूरी है, दैट विल बी नोन एज एंड डिस्टेंस। और एज डिस्टेंस की बाकी किधर भी कोई भी जो डायरेक्शन से उससे उस बोल्ट की दूरी, या यू कैन से उस बोल्ट के सेंटर लाइन से दूरी कहलाएगी हमारी एज डिस्टेंस। तो बोल्ट के बारे में इतना ही है देखने को, अब अपन आगे चलते हैं दैट इज सीधा कनेक्शंस पे कि कनेक्शन कैसे कैसे होते हैं। इसके पीछे नो डाउट बहुत सारे बेसिक्स हैं, आप प्लीज एक बार गो थ्रू कर दें स्टील स्ट्रक्चर वाले सब्जेक्ट को, अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो दैट इज इजी। अगर बहुत सारे जने, अगर कोई स्टूडेंट्स नए हैं जिन्होंने अभी तक स्टील स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पढ़ा है तो प्लीज पहले बेसिक्स पढ़ ले फिर आप सॉफ्टवेयर पे आए। देखिए जो कनेक्शंस होते हैं हमारे, दैट इज डिजाइन ऑफ बोल्टेड बीम कनेक्शंस की अभी बात करूं, बोल्टेड कनेक्शंस की बात कर रहे हैं, दो तरीके के कनेक्शन होते हैं। एक तो होते हैं हमारे पास सिंपल कनेक्शंस, एक होते हैं मोमेंट रेजिस्टिंग कनेक्शन, एक होते हैं सेमी रिजिड कनेक्शन। देखिए सिंपल कनेक्शन वो होगा जो नो रिस्ट्रेंस इज इम्पोज्ड फॉर रोटेशन, ये मोमेंट्स के लिए नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ शीयर के लिए होता है, इट इज ओनली अवेलेबल फॉर शीयर, ठीक है ना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो बीम है वो कॉलम पे अगर रेस्ट कर रहा है और वो जो बीम है वो कॉलम पे अपना मेजर शियर फोर्स भेज रहा है विदाउट गिविंग एनी बेंडिंग मोमेंट, हो सकता है बहुत सारे केसेस में हो सकता है कि बीम सिर्फ शियर ही भेजे और जो मोमेंट है वो बहुत कम भेजे या ना के बराबर भेजे, ठीक है। तो उस केस में हम लोग शियर कनेक्शन ही क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। उस केस में क्या होता है, इसका जो भी शियर फोर्स होता है वो कॉलम के लिए एक एक्सियल फोर्स बन जाता है, ठीक है। सिमिलरली दूसरा तरीका का कनेक्शन होता है जिसे हम कहते हैं मोमेंट रेजिस्टेंस और रिजिड कनेक्शन, ठीक है। इसके अंदर शियर एज वेल एज हम लोग क्या करेंगे, मूवमेंट को भी भेजेंगे। ये ज्यादातर ये बेसिक कनेक्शन होता है जो कि बहुत जगह यूज है। एक सेमी रिजिड भी होता है जो पार्शियली रिस्ट्रेंड होता है रोटेशन के एंड ऑल दैट, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग इसमें यूज करते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हो इसके अंदर कि हमारे पास जो हमारा सिंपल बीम कनेक्शन है दे आर फर्दर क्लासिफाइड इंटू फ्रेम्ड कनेक्शन, अनस्टिफंड कनेक्शन, स्टिफंड सीटेड कनेक्शन, ठीक है। फर्स्ट आता है दैट इज फ्रेम्ड कनेक्शन। तो फ्रेम्ड कनेक्शन को अपन लोग समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेम्ड कनेक्शन में यहाँ पे डेफिनेशन इन लोगों ने लिख रखी है, अपन वो देख लेते सीधा। दैट इज व्हेन एंड शियर इज टू बी ट्रांसफर्ड इज लेस, इट इज पॉसिबल टू कनेक्ट द बीम टू द मेन बीम और टू द कॉलम यूजिंग क्लिट एंगल्स, ठीक है। अभी क्लिट एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है, होते तो एंगल ही जो हम लोग अभी अपने पढ़े थे इंडियन स्टैंडर्ड एंगल्स, है ना। अब उनको कैसे यूज करना है तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कि जैसे ये हमारे पास एक बीम, ठीक है, एक आई सेक्शन की बीम है पूरी की पूरी। आई सेक्शन में ध्यान रखिएगा एक ऊपर फ्लेंज होता है, बीच वाला जो पोर्शन होता है उसे वेब कहते हैं और नीचे एक और हमारे पास ये फ्लेंज सेक्शन होता है। दिस थिंग इज फ्लेंज, दिस इज ऑल्सो फ्लेंज एंड जो बीच का जो पोर्शन है उसे हम लोग कहते हैं वेब, ठीक है, WEB। तो हमारा जो इधर वाला बीम है वो भी आई सेक्शन है और सामने वाला जो सेक्शन जा रहा है जो मेजर बड़ी बीम है वो भी हमारा आई सेक्शन। तो बीम से बीम कनेक्ट हो रही है तरीके से आप देख सकते हैं ना। तो हम इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, तो हम यहाँ पे एक एंगल लगा रहे हैं, ठीक है। वो एंगल कैसा लगेगा, एल शेप में पूरा का पूरा लगेगा, एक लेग उसका इस तरफ है और एक लेग सामने की तरफ है जो भी आपको दिखेगा नहीं क्योंकि 2D है। इसका जस्ट एक दूसरा ट्रांसवर्स सेक्शन इस तरफ दे रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा बीम है जिसपे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये तो हमारा बीम है जो इस केस वाला था और सामने की तरफ वाला हमारा क्या है, बड़ा बीम है जो उसके जस्ट सामने से निकल रहा है। तो उसको हमने क्या किया, दोनों ही तरफ एक एंगल लगाया,
ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये छोटी सी थिकनेस है, ये थिकनेस कुछ नहीं है, ये थिकनेस इसी की थिकनेस है, इस एंगल की, ठीक है, वो जो भी हो सकती है 18 mm 20 mm कुछ भी। और हम क्या कर देते हैं, इसको पूरा बोल्ट कर देते हैं। अभी मैं सॉफ्टवेयर खोलूंगा तब आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा 3D में कि कैसे होता है। तो ये इनको क्लीट एंगल्स कहते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, हमारा जो भी शेयर फोर्स यहाँ पे जनरेट हो रहा होगा उसको क्या करेगा, ये कॉलम ले लेगा पूरा का पूरा और नीचे की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। ये कब होता है, जब हमारे पास शेयर फोर्स जो है वो थोड़ा लेस हो हमारे पास। अगर थोड़ा सा सर ज्यादा हो तो हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए ज्यादा होता है तो हम लोग एक अनस्टिफेंड शीट कनेक्शन लेते हैं कि व्हेन द शेयर फोर्स इज लार्जर देन द डेप्थ ऑफ द क्लीट एंगल रिक्वायर्ड फॉर द फ्रेम सेक्शन। सो उसके लिए फिर हम लोग क्या करते हैं, सॉरी, अनस्टिफेंड शीट कनेक्शन लेते हैं। अनस्टिफेंड शीट कनेक्शन में आप लोग देख सकते हो हम लोग क्या करते हैं, इसमें हमारी ये बीम आई सेक्शन वाली जो है, जो टच हो रही है कॉलम के फेस के, वहां पे हमने ऊपर भी एक एंगल सेक्शन लगा दिया और नीचे भी एक एंगल सेक्शन लगा दिया और उनमें हमने बोल्ट कर दिया पूरे की तरीके से, यहाँ पे भी बोल्ट और यहाँ पे भी बोल्ट। उससे क्या हो जाएगा, उसके अंदर फिक्स हो जाएगा, इसको अनस्टिफन बोलते हैं। और अगर इसको स्टिफन करना है, लेट्स से द शियर फोर्स जो हमको लेना है इट इज टू लार्ज, है ना, इट इज स्टिल लार्ज, तो हम लोग क्या करेंगे उसके लिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नीचे दो बैक टू बैक एंगल्स लगाते हैं। जो भी हमारी बीम है उसके नीचे की तरफ हम लोग क्या करेंगे, बैक टू बैक यहाँ पे आप देख सकते हो दो एंगल्स लगाए हम लोगों ने, सॉरी मेरा पेन सही नहीं चल रहा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमने दो बड़े बड़े एंगल्स लगाए, एक इस तरफ रहेगा एंगल, एक इस तरफ रहेगा, और ऊपर वाली बीम के लिए क्या करेगा, काइंड ऑफ एक तरीके से सपोर्ट दे देगा, और ऊपर की तरफ भी हम लोग एक क्लीट एंगल लगा देंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा हमने स्टिफ कर दिया, कहने का मतलब उसको, है ना, तो वो ओवरलोड क्या हो सकता है, थोड़ा ज्यादा अच्छे से ले सकते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग मोमेंट रेजिस्टेंस में जाए, अगर मोमेंट वाले में जाए तो मोमेंट में बहुत अलग अलग तरीके के, जिसमें एक आता क्लिप एंगल और एक आता ब्रैकेट कनेक्शन। क्लिप एंगल में हम लोग क्या करते हैं, ऊपर की तरफ एक एंगल लगा देंगे, नीचे भी एक एंगल लगा देंगे, और उसके पास में भी, सामने भी हम लोग क्या करेंगे, दो एंगल्स लगा देंगे, तो इससे क्या वो रिजिडली फिक्स हो जाएगा मोमेंट्स के लिए भी और शीयर के लिए भी, ठीक है, दोनों ही एक तरीके से फिक्स हो जाएगा। ऊपर की तरफ भी हमने एक एंगल लगा दिया, नीचे भी एक एंगल लगा दिया, और साइड में भी हमने क्या किए, दोनों एंगल्स लगा दिए। ऑब्वियसली बात है कि ऊपर वाले जो एंगल होंगे थोड़े छोटे होंगे, है ना, और बीच वाले एंगल बड़े होंगे, क्योंकि वेब की साइज जो होती है वो ज्यादा बड़ी होती है, ये वेब की जो डेप्थ है वो ज्यादा बड़ी होगी एज रिलेशन टू विड्थ के, है ना, तो नीचे वाले एंगल जो होंगे थोड़े साइज में बड़े होंगे और उनको हम लोग बोल्ट्स के साथ यूज करेंगे। सिमिलरली ब्रैकेट कनेक्शन भी होते हैं, ब्रैकेट कनेक्शन में हम लोग गसेट प्लेट्स यूज करते हैं। गसेट प्लेट्स मतलब अभी अगर अपन समझे तो एक सिंपल सी प्लेट्स होती है जो काइंड ऑफ सहारा देगी, उसको हम वेल्ड करेंगे और उसके ऊपर बोल्टिंग करेंगे, तो वो ब्रैकेट कनेक्शंस होते हैं हमारे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो इस 8.6 वाले में हमारे पास जो ब्रैकेट कनेक्शंस दे रखे हैं, ये ध्यान रखना क्लिप एंगल्स या स्प्लिट बीम कनेक्शन भी कहते हैं, और ब्रैकेट कनेक्शंस जो होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ मोमेंट के लिए यूज होंगे, मतलब मोमेंट एंड शेयर कनेक्शन में। और सिर्फ शेयर आ रहा है आपके तो आप सिंपल शेयर कनेक्शन में स्टिफन, अनस्टिफन या अपना सिंपल सा बीम कनेक्शन जो होता है वो यूज करेंगे। अब हमारा सॉफ्टवेयर हमें किस तरीके के डिजाइन करने के तरीके हमें देता, कितने कितने डिजाइन करने के हमारे पास टेम्पलेट्स है, वो अपन एक बार देखेंगे, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। तब तक आप आपकी थ्योरी क्लियर कर लें कि स्टील कनेक्शंस क्या है, बोल्ट कैसे लगाए जाते हैं, शियर स्ट्रेंथ क्या होती है, बियरिंग क्या होती है, टीयरिंग क्या होती है, ये चीजें आप एक बार क्लियर कर लीजिए।